नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम अनिमेश दासगुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। आज पावरफुल टॉपिक के बारे में कहेंगे। देखिए, भारत में लोकसभा चुनाव चल रही है, तो चुनाव कैसे जीता जाए, यही टॉपिक है। फटाफट टिप देंगे। अगर आप उम्मीदवार है या पार्टी का मेंबर है, तो आपके उम्मीदवार को दिखाइए और पार्टी को चिपके दिखाइए कैसे चुनाव तरीके तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं कहेंगे, और वही आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करना होगा और चुनाव जीतने में ये मददगार करेंगे। नंबर वन, बी अग्रेसिव। देखिए, जमाना अग्रेसिव हो गया है। आप जितने अग्रेसिव कैंपेन करेंगे, आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप चुनाव में जनमत को संग्रहित करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, इतना अग्रेसिव प्रचार करना होगा, अग्रेसिव भाषण देना पड़ेगा, अग्रेसिव बूथ लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप जितना अग्रेसिव रहेंगे उतना ही आपके बारे में चर्चा होगा। देखिए, जिसकी होगा निंदा वही होगा जिंदा। जब तक आपके सीट पे आपकी नाम पे चर्चा नहीं होगा, आपकी निंदा नहीं होगा, आपका विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक चुनाव में आपके तरफ ध्यान नहीं होगा। देखिए, वही चुनाव जीतता है जिसका निंदा होता है, जिसका विरोध किया जाता है। जितना ध्यान आपके तरफ आएगा, उतनी वोटर आपके तरफ खींच के आएगा और चुनाव जीतने में ये सीक्रेट है। नंबर टू, स्पीकिंग। देखिए, लेक्चर देना पड़ेगा। अगर लोकसभा चुनाव चल रही है तो आपको लेक्चर इतना देना पड़ेगा, एग्रेसिव तरीके से, स्पष्ट तरीके से। चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ऑपोजिशन के खिलाफ बोलना पड़ेगा और आपकी मिशन और विजन क्या है। देखिए, यूथ जनरेशन की वोटर बढ़ चुकी है, उनको टारगेट कीजिए। महिला वोटर को टारगेट कीजिए, किसान और लेबर को टारगेट कीजिए। एक टारगेटेड वोटर के लिए टारगेटेड लेक्चर और स्पीच रेडी करिए और स्पीच इस तरीके से दीजिए कि लोगों के समझ में आ जाए कि आप उनकी जननेता हो, आपकी नेतृत्व उनको पसंद आ जाए और आपके तरफ वोटर खींच के आए। नंबर थ्री, यूज सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जितने चाहे आपकी फॉलोअर्स है, आपके टीम बिल्ड के लिए और सोशल मीडिया में छाए रहिए। जितना सोशल मीडिया आपकी कैंपेन को वायरल करेगा, उतने वोटर आपके तरफ खींच के आ जाएगा। नंबर फोर, टीम वर्किंग। देखिए, लोकसभा चुनाव है, 7 असेंबली इक्वल टू 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट, तो आपको क्या होगा, बड़ा टीम बिल्ड करना होगा। देखिए, वोटर लिस्ट को चुनिए, वहां पे देखिए पेज है, 1 पेज 1 वर्कर को रिस्पांसिबिलिटी दीजिए। 1 पेज के अंदर जितने सारे वोटर है उनको कवर अप करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके पास जाने के लिए एक पेज पे एक वर्कर को दायित्व और रिस्पांसिबिलिटी दीजिए। इसी पन्ना प्रमुख या पेज वर्कर और पेज हेड बनाइए। ये नेटवर्किंग तरीके से आप सारे वोटरों के पास आपकी मैसेज, आपकी कैंडिडेचर, आपकी चुनाव की आह्वान पहुंच जाएगा और आप तुरंत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटरों को समझने के लिए, उनको रिझाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद क्या आता है, जनसंपर्क। देखिए, जितना जनसंपर्क आप करेंगे, रोड शो करना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव तरीके से जनता के साथ मेलजोल के खाना पड़ेगा, चाय पे अड्डा देना पड़ेगा, उनकी जो लीडर्स है, सामाजिक लीडर, उनके साथ मुलाकात करना पड़ेगा और चुनाव आते ही उन सारे लोगों के साथ जितना आप जनसंपर्क करेंगे, जितना आप लोगों के बीच जाएंगे, चिल्ड्रन को, महिलाओं को, हायर सीनियर सिटीजन को जितने मदद करने की उनके पास आप जाएंगे, वो लोग समझेंगे कि आप नियरेस्ट और डियरेस्ट है। ये नियरेस्ट और डियरेस्ट फीलिंग अगर आ जाएगा तो आपकी चुनाव जीतने में, वोटरों को रिझाने में आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, एडवर्टाइजिंग। देखिए, वॉल पे जो कैंपेन चल रही है उस पर आपको एडवर्टाइजिंग करना होगा, टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजिंग करना होगा, पेपर पर एडवर्टाइजिंग करना होगा, हैंडबिल, बैनर, पोस्टर पर भी एडवर्टाइजिंग करना होगा। जितना अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होगा, आपकी नाम छाया रहेगा, आपके तरफ वोटर खींच के आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए हेल्थ। देखिए, आपके हेल्थ पे भी फोकस देना पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो चुनाव कैंपेन में आपका बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए आपकी हेल्थ को प्रमोट कीजिए। किस तरह से आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, इस टाइम पर आपको जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा और कोल्ड ड्रिंक्स और ग्लूकोज, पानी ज़्यादा पीना होगा। इससे क्या होगा, आपका पेट शांत रहेगा, मन शांत रहेगा और धीर मस्तिष्क में आप लीडरशिप दे पाएंगे। चुनाव
जीतने के लिए और एक सीक्रेट देता हूँ कि सारे चीज़ों को स्टडी कीजिए और जो जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है उनके खिलाफ वीक पॉइंट क्या है, उस वीक पॉइंट को लेकर आप बड़ा इत्तवार आपका जो हमलावर त्यौहार है, जो आपका मतलब भाषण है, लेक्चर है, उस पर सारे लोगों की वीक पॉइंट को फोकस करिए। और आपका मिशन 5 साल में, अगले 5 साल में आप क्या करेंगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर भी फोकस दीजिए। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप जब लोगों के बीच बोलेंगे और दूसरे विपक्षी पार्टियां विपक्षी कैंडिडेट को खिलाफ वीक पॉइंट बोलेंगे तो जनता आपको नियरेस्ट और डियरेस्ट समझेंगे। देखिए, चुनाव जीतने के लिए और एक पावरफुल वीडियो आपके सामने मैं हाजिर करूंगा। अब तक इसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करिए, तुरंत चुनाव जीतने के लिए आपके लिए फास्ट फूड साबित हो सकता है। इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।